हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल सोनीज यम फूड कोर्ट में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट गनाश की रेसिपी। आजकल चॉकलेट गनाश केक बहुत ही ट्रेंड में है और चॉकलेट गनाश केक बच्चों को मोस्टली पसंद आते हैं क्योंकि चॉकलेट्स उनकी फेवरेट होती हैं। और अगर आप केक को चॉकलेट गनाश से कवर करें और फिर डेकोरेट करें तो बहुत ही कम समय में आप एक केक को ईज़िली तैयार कर सकते हैं। चलिए अब चॉकलेट गनाश की रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। ये 400 ग्राम का पैकेट है। ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस किया था। तो इसमें ऐसे चार बार्स होते हैं 100 ग्राम के। इसे आप छोटे छोटे पीसेस में कट करें क्योंकि आप जितने छोटे पीसेस में कट करेंगे उतनी जल्दी ही ये चॉकलेट मेल्ट होगी। गनाश बनाने के लिए हम डार्क कंपाउंड चॉकलेट की जगह मिल्क कंपाउंड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों चॉकलेट्स आधी आधी यूज़ करके भी डाल सकते हैं। सेकंड मेन इंग्रेडिएंट जो हमें गनाश बनाने के लिए चाहिए वो है अमूल फ्रेश क्रीम। इस पैकेट में अप्रॉक्सीमेटली 250 ml क्रीम होती है। तो मैं आधी ही क्रीम यूज़ करूँगी क्योंकि आधी क्रीम यूज़ करके परफेक्ट गनाश बन जाता है। अब हमें इस क्रीम को गरम करना है। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें, इसे मीडियम या हाई भी ना करें क्योंकि हमें क्रीम को जस्ट गरम करना है, अच्छी तरह से बॉईल नहीं करना। क्रीम को गैस पर रखने के बाद इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहें। अब आप देख सकते हैं कि क्रीम अच्छी तरह से गरम हो गई है। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर डालने से गनाश बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी बनता है। बटर डालने के बाद इसे तब तक मिक्स करें जब तक कि ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। अब इमीडिएटली इसमें ऐड करें चॉप की हुई चॉकलेट जो हमने पहले से ही रेडी करके रखी थी। चॉकलेट ऐड करने के बाद इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहें। क्रीम अभी भी इतनी गर्म है कि सारी चॉकलेट इसमें इजली मेल्ट हो जाएगी। खाली आप हिलाने का प्रोसेस ना रोके, इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहें। अब आप देख सकते हैं कि कितना सिल्की और स्मूथ गनाश बनकर रेडी है और कितना शाइनी भी लग रहा है क्योंकि हमने इसमें बटर डाला था और इसमें कोई लम्स भी नहीं है। अब इस गनाश को मैं ट्रांसफ़र करूँगी एक कप में। आप एक कप या ग्लास में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर पोर करने के टाइम आपको आसानी होगी। ये गनाश ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला, बस हमें इस कंसिस्टेंसी का ही गनाश चाहिए। इससे फिर केक ईजली कवर्ड हो जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो केक जिसे मैंने गनाश से कवर करना है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको कवर करके भी दिखा दूँ कि किस तरह से हम गनाश से कवर करते हैं। तो बना हुआ गनाश बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर आप रख दें 2-3 मिनट के लिए और फिर केक के ऊपर पोर करें। आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप गनाश केक के ऊपर पोर करें तो केक बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब इस गनाश को सेट करने के लिए हम इस केक को फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। 10 से 15 मिनट बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और फिर आपको जैसा मन करे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे गनाश की रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।